आप लोगों की तरफ से मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स रिसीव हो रहे थे, बनी की अपडेट दीजिए, आपकी रैबिट प्रेग्नेंट है, डिलीवर्ड किया है या फिर नहीं, बेबी बनीज हुई है या फिर नहीं। तो नहीं गाइस, अभी आज शाम से लेके करीबन और एक से दो दिन के अंदर न्यू बेबी बनीज आ जाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में ऑब्वियसली मैं शेयर करूँगी। तो आज मैंने नेस्टिंग मटेरियल मेरी बनी को दिया है, आप लोग देख सकते हो, देते ना देती वो नेस्टिंग भी स्टार्ट कर दिया है। आई होप आज जो है शाम तक वो डिलीवर कर दे, या फिर कल के अंदर तो शायद वो डिलीवर कर देंगे। सो आप लोग प्रे करना ताकि जल्द से जल्द सब कुछ अच्छे से हो जाए और मेरी बनियन उसके बेबी बिल्कुल हेल्दी रहे। तो यही आप लोग प्रे करना, और ऑब्वियसली मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ न्यू मेंबर्स को भी शेयर करूँगी और बहुत सारे इंटरेस्टिंग से ब्लॉग्स आने वाले हैं इस चैनल पर भी। तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। एंड ये जो नेस्टिंग मैंने की है मटेरियल वगैरह, अगर इसके ऊपर डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो माई पेट्स इन्फो मेरी मेन चैनल पे जाके चेकआउट जरूर कर लेना। गाइस, आप लोग बार बार पूछ रहे थे बनी की हेल्थ कैसे, बेबी कब देंगे, तो एक दो दिन के अंदर बेबीज आई होप आ जाएंगे और मेरी बनी भी बिल्कुल हेल्दी है, कहा गई ये देखिए। मेरे पीछे जो है नेस्टिंग करने के लिए सारे कपड़े वगैरह नोच रहे हैं, उसके अंदर लेके जाके वो रखना चाह रही है। तो प्लास्टिक वगैरह बड़े कपड़े, सिंथेटिक के कपड़े बिल्कुल मत दीजिए, कॉटन के कपड़े छोटे छोटे स्लाइसेस में कट करके अगर आप लोग दे सकते हो इसके अंदर देन आप लोग दे सकते हो। तो गाइज आप लोग प्रे करना ताकि जल्द से जल्द सब कुछ सही हो जाए। तो मैंने मेरी तरफ से जितना हो पाएंगे मैंने की, अभी पूरा फर्श मुझे साफ करनी है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिले होंगे, अगर आप लोगों की भी रैबिट्स प्रेग्नेंट है तो किस तरीके से आप लोग नेस्टिंग कर सकते हो ताकि बच्चे हेल्दी रहे, उसके फीमेल रैबिट भी हेल्दी रहे। तो बस यही मुझे शेयर करनी थी आप लोगों के साथ, क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट आ रहे थे। बनो बाय कर दो, बोलो नेक्स्ट में बेबीज को लेके फिर मिलूंगी, है ना? वो जगह ढूंढ रही है, तो वही जगह उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट एंड सेफ जगह है। गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं शाम के टाइम से वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप लोग देख सकते हो मैंने एक चोटी बनाई है। तो कैसे लग रही है मुझे बताना, क्योंकि चोटी मैं बहुत ही कम बनाती हूँ। एंड बाय द वे आज जो है मेरी मेन चैनल की सेलिब्रेशन के लिए मेरी फ्योन से लेके जाने वाली है केक लाने के लिए, छोटी मोटी सेलिब्रेशन तो बनती है ना, तो इसलिए हम जाएंगे। तो बस थोड़ी देर में वो आने वाले है, तो मैं ऐसे चोटी वगैरह बना के बिल्कुल सिंपल सी लाइनर थोड़ी सी मैंने अप्लाई किया है, तो सिंपल तरीके से मैं रेडी हो चुकी हूँ। एंड ये वाला कुर्ती पहन लिया है विथ प्लाजो, तो अभी वो आएंगे एंड उसके साथ मैं थोड़ी बहुत वीडियो क्लिप्स में शेयर करूँगी। तो मेरे साथ रह रहे के वो भी कैमरा फ्रेंडली हो जाएंगे, क्योंकि अभी वो कैमरा के सामने आना उतना ज़्यादा मतलब शाय फील करते हैं थोड़ी सी, तो इसलिए वो कैमरा के सामने जो है झटाक से आ जाना उतना उसके लिए कम्फर्टेबल फील नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएंगे। आप लोगों ने भी मुझे रिक्वेस्ट की उनके साथ वीडियो बनाओ, तो हाँ धीरे 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 मैं कंटिन्यू करूँगी। तो चलिए थोड़ी देर बाद में आप लोगों से बातें करती हूँ।
गाइस फाइनली हो चुकी हमारी सेलिब्रेशन, छोटी सी मुंह मिठाई के लिए केक कटिंग तो नाना नानी के साथ। आई होप और भी जर्नी जब आगे जाएंगे मेरी फैमिली मेंबर्स और ग्रो करेंगे तो और भी धूमधाम से करेंगे। ये बस छोटी सी एक सेलिब्रेशन मुंह मिठा करने के लिए हो गई है और अभी करीबन टाइम हो रही है 10:15। तो अभी मैंने फेस वॉश कर लिया है और बालों में मेरी छोटी थे वो भी मैंने खोल दिया है और अभी मैं अप्लाई करूंगी फेस पैक। तो अभी की वीडियो में इधर पर एंड करूंगी। एंड गाइस अंदर से ना मुझे बहुत ज्यादा घबराहट फील हो रही है क्योंकि अभी तक मेरी बनी ने डिलीवर नहीं किया है तो पता नहीं वो रात के टाइम पे ज्यादातर डिलीवर करती है तो अंदर से घबराहट काम कर रही है। कब बेबी बनीज आएंगे, कितने बेबी बनीज होंगे, कैसे होंगे दिखने में, तो बहुत कुछ मनी मन में हो रही है। तो जो भी होंगे मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ अपडेट शेयर करने वाली हूँ। एंड गाइज आप लोग भी प्रे जरूर करना। तो टिल देन गाइज बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बहुत अच्छे से रहिए, सेफ रहिए और मेरी बनी के लिए और सारे पेट्स के लिए प्रे जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज।